Assalamu alaikum dear students. Today I want to discuss about the lecture of class 9th. Our fourth lecture is about solve the following inequalities. हमने इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है. इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं? बेसिकली इनइक्वालिटीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ग्रेटर देन के साइन को, लेस देन के साइन को, इसी तरह लेस देन इक्वल का साइन और ग्रेटर देन इक्वल के साइन को इनइक्वालिटीज़ कहते हैं. पर इन इनइक्वालिटीज़ को हमने सॉल्व करना है कि ये इनइक्वालिटीज़ के आंसर्स क्या आते हैं. इनइक्वालिटीज़ का इन अदर वर्ड्स मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यूज जो कि इक्वल ना हो. ओके, तो इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर वन को डिस्कस करते हैं. पार्ट नंबर वन में हमारे पास 3x + 1 < 5x - 4 है. तो यहाँ पे प्लस का मानना एज इट इज़ माइनस के 4 को इक्वल के दूसरे साइड पे लेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा. इसी तरह प्लस का 3x इक्वल के दूसरे साइड पे लेंगे तो माइनस का 3x हो गया. इन दोनों को हमने ऐड किया, हमारे पास आ गया 5. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 2x आ जाएगा. यहाँ पे जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वल के दूसरे साइड पे आके वो डिवाइड हो जाएगा. अच्छा, एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ग्रेटर वैल्यू है ना, जैसे कि x की जो ग्रेटर वैल्यू है उसको आपने फिक्स कर देना, यानी कि उसको उसकी जगह से हम नहीं हिला रहे. आप चेक कर रहे होंगे, इसको सब्ट्रैक्ट किया, 2 डिवाइड हो गया. तो यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे कि 5 / 2 लेस देन है किसे, x से. अगर हम उसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो x की तरफ माउथ ओपन है, मीन्स x ग्रेटर है. तो x यहाँ पे x की तरफ अगेन माउथ ओपन कर देंगे, सिंपल्स यानी कि ग्रेटर का साइन लगा देंगे, 5/2 एज इट इज़ उसके साथ आ जाएगा, ये उसका सोल्यूशन होगा. फर्दर इसका 7th पार्ट देखते हैं. 7th पार्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है. अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहे तो 3x - 3 बन जाएगा. माइनस के वजह से इस ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे. -2x - 2x - 4 होगा तो -8 हो जाएगा. 3x और x मतलब x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख देते हैं और कॉन्स्टेंट्स एक साइड पे. 3x - x हमारे पास आ जाएगा 2x. और यहाँ पे अब चेक करना है आपने, इन दोनों को सेपरेट करके -1 बचेगा. यहाँ पे अब आपने चेक करना है कि x की ग्रेटर वैल्यू क्या है. यहाँ पे आपके पास प्लस का 2x है और इधर आपके पास माइनस का 2x है. तो इसमें आप खुद ही कंपैरिजन कर लेंगे कौन सी ग्रेटर वैल्यू है. तो पॉजिटिव वैल्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू. तो पॉजिटिव का 2x बड़ा होगा नेगेटिव के 2x से, तो इसको हम फिक्स कर लेंगे, यानी कि इसको इसकी जगह से नहीं हिलाएंगे. तो माइनस का 2x इधर ले आएंगे, प्लस का 2x हो जाएगा. इन दोनों को ऐड किया, 4x -8 + 1 हमारे पास आ जाएगा -7. 4x के साथ मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसका सोल्यूशन होगा. फर्दर हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के पार्ट नंबर 8 को. पार्ट नंबर 8 में ये वैल्यू फ्रैक्शन में दी हुई है, तो यहाँ पे हमने फ्रैक्शन को सॉल्व करना है. फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे कि 3 × 2 = 6, 6 में 2 ऐड कर देंगे. 3 × 2 = 6 एंड 6 में 2 ऐड कर दिया, 8 बन गया. बाकी दोनों वैल्यूज को एज इट इज नीचे उतार लिया. यहाँ पे एलसीएम इसका लेंगे तो 3 आपके पास 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 × 1 = 3 ही इसका एलसीएम बनेगा. 3 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे ऑन बोथ साइड. यहाँ पे 3 जो है सबके साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3 टर्म्स, तीनों के साथ 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया. यहाँ पे आप देख रहे होंगे वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं. 3 से कट गया, इधर भी 3 से कट गया, ये 3 भी 3 से कैंसिल हो गया. बाकी क्या बच गया, 8x बच गया. इधर बचा 2 को 5x से मल्टीप्लाई 10x, 2 को 4 से मल्टीप्लाई -8. -1 है तो -1 इसके साइंस चेंज कर देगा, तो ये आएगा -8x और -7. अब फर्दर 8x + 10x = 18x हो जाएगा, -8 एज इट इज़ आ जाएगा. और फर्दर -8x भी एज इट इज़ और -7 भी एज इट इज़ आ गया. अब आपने यहाँ पे देखना है कि आपके पास ग्रेटर वैल्यू कौन सी x की. यहाँ पे पॉजिटिव का 18x और यहाँ पे नेगेटिव का -8x है. तो -8x को इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाएंगे, पॉजिटिव का 8x हो गया, -8 इधर आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव का 8 हो गया. -7 + 8 आपके पास 1 बनेगा. 18 + 8x = 26x बन गया. 26x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की, मतलब ये इनइक्वालिटी की दूसरी साइन पे जाएगा, साइड पे जाएगा, तो आपके पास 1/26 बन जाएगा. तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन को हम समर पैक के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है. और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपकी होम असाइनमेंट है. होप्स हो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा और बाकी होम असाइनमेंट आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे. प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें.